हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ट्रांसमिशन लाइन में जो बड़े बड़े गेंदे होते हैं यानी बड़े बड़े बॉल्स होते हैं वो किस पर्पस के लिए लगाया जाता है। तो यह बॉल का नाम है एरियर मार्कर बॉल, या इस बॉल को कहते हैं विजिबिलिटी मार्कर बॉल। यह बॉल मेनली चार कलर के बनाए जाते हैं, ऑरेंज, रेड, येलो एंड वाइट। लेकिन मोस्टली यह बॉल ऑरेंज कलर का बनाया जाता है क्योंकि ऑरेंज कलर डार्क कलर होता है, तो इसलिए दूर से भी यह बॉल इजीली दिख जाएगा और रात के समय भी यह बॉल इजीली दिख जाएगा, इसलिए मोस्टली ऑरेंज कलर का बनाया जाता है। यह बॉल हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का बनाया जाता है जो आसानी से टूटे नहीं। यह बॉल दिखने में तो बहुत ही छोटा लगता है लेकिन एक्चुअल में बहुत ही बड़े साइज का और बहुत ही हेवी होता है। यह बॉल का कुल डायामीटर 36 इंच जितना होता है और यह बॉल का कुल वजन 5.7 किलोग्राम जितना होता है। ट्रांसमिशन लाइन में छोटे छोटे अंतर पर, थोड़े थोड़े अंतर पर बहुत सारे बॉल्स लगाए जाते हैं, तो यह दो बॉल्स के बीच का डिस्टेंस 200 फीट जितना होता है। रनवे से ट्रांसमिशन लाइन गुजरती हो तो वहाँ दो बॉल्स के बीच का डिस्टेंस 30-50 फीट जितना होता है। अब देखते हैं यह बॉल किन किन जगहों पर लगाया जाता है। तो यह बॉल किसी रोड क्रॉसिंग से ट्रांसमिशन लाइन गुजरती हो तो वहाँ ट्रांसमिशन लाइन में लगाया जाता है। उसके अलावा किसी पहाड़ी इलाके या हिली स्टेशन के नज़ीक से ट्रांसमिशन लाइन गुजरती हो तो वहाँ, एयरपोर्ट के नज़ीक से ट्रांसमिशन लाइन गुजरती हो तो वहाँ, नदी के ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन गुजरती हो तो वहाँ, तो यह सभी जगहों पर ट्रांसमिशन लाइन में यह बॉल्स लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यह ट्रांसमिशन लाइन में जो बॉल लगाए जाते हैं वो किस पर्पस के लिए लगाया जाता है। तो यह बॉल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। कैसे? जब ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर से कोई भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर गुजरता है तो उसका पायलट यह बॉल देख लेता है, और यह डार्क कलर का बॉल है तो उसका पायलट यह बॉल देख के समझ जाता है कि यह ट्रांसमिशन लाइन है। तो यह पायलट उस प्लेन को यह ट्रांसमिशन लाइन के नज़दीक से नहीं गुजारेगा या ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर से नहीं गुजारेगा, इसलिए कोई भी जानहानि नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यह बॉल की मदद से प्रोटेक्शन और सेफ्टी मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए यह ट्रांसमिशन लाइन में बड़े बड़े साइज का और डार्क कलर का बॉल्स लगाया जाता है, और यह बॉल डार्क कलर का होता है तो रात के समय भी यह बॉल ऊंचाई से दिख जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा और यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और आगे ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के डिफरेंट टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।